दिन बाद हमारे मैं साथ आया हैं था। ब्रजलाल जी, जो कि पूर्व डीजीपी रह चुके हैं और वर्तमान में सांसद हैं। हम उनसे बात करेंगे तमाम मुद्दों को लेकर के। सर, बहुत स्वागत है MH1 पर। ये बताइए कि एक बड़ा मामला चल रहा है कि यादव को मार दिया गया है, फर्जी इनकाउंटर किया गया, क्या कहेंगे इसको लेकर के? फर्जी इनकाउंटर नहीं, असली इनकाउंटर है जी। और जब गोली चलती है तो किसी को पहचानती नहीं है। मैं तो ऐसा IPS रहता हूँ जिसमें 19 ऑपरेशन में मैंने खुद अग्रणी भूमिका अदा की। जब ADG था तब मैंने गोली चलाई। तो ये केवल बैकवर्ड के राजनीति करने के लिए, सहानुभूति बटने के लिए अखिलेश यादव ने किया है। यही इनके पिताजी किया करते। 90 के दशक में छविराम यादव, महावीरा यादव, अनार सिंह यादव, पोथी यादव, इन सबका मैनपुरी, अलीगढ़, इटावा, फरुखाबाद, कन्नौज, इन सब में आतंक था। और जब विश्वनाथ प्रताप सिंह सरकार ने उनको कमर तोड़ना शुरू किया, जो लोग उनको पालते थे उस पर एंटी डकैती एरिया एक्ट बनाया और पालने वाले जो कार्रवाई हुई, तो अखिलेश जी के पिता श्री ने कहा था ये बैकवर्ड पर अत्याचार है और बैकवर्ड के नेता बनने का प्रयास किया। इन्होंने वही चीज अखिलेश यादव जी कर रहे हैं। हमेशा अपराधियों के साथ खड़े रहे, अरे तो आतंकवादियों के साथ खड़े थे। जब 14 मुकदमे इन्होंने 2013 में वापस लिए थे, तो जो आतंकवादियों के साथ खड़े हो, जो अपराधियों का महिमा मंडन करे, जो मुख्तार अंसारी जैसे माफिया की मृत्यु पर जाकर उसके मजार पर सजदा करे, जितने बड़े अपराधी उत्तर प्रदेश में रहे वो समाजवादी पार्टी में रहे, तो ये लोग केवल यही राजनीति करते हैं। और मुझे बड़ा ये जानकर बड़ा कष्ट हो रहा है कि राहुल गांधी जी इनके साथ नहीं, मैं राहुल पर बात करूंगा, पर इसी पर बात करूं। कुल टोटल 267 इनकाउंटर हुए हैं, जिसमें से 20 ब्राह्मण हैं और 18 क्षत्रिय हैं, बाकी सब दलित तो बैकवर्ड के ही इनकाउंटर हुए। ये विपक्ष का आरोप है। विपक्ष जो है ये जाति की राजनीति करती है। मैंने कहा अपराधी कभी जाति नहीं देखती। पूलन देवी जिसको मुलायम सिंह जी ने वापस लिया था, कहा गया बैकवर्ड थी इसलिए, और मैक्सिमम घटनाएं पूलन देवी ने बैकवर्ड पर की थी। तो भैया अपराधी की कोई जाति बिरादरी नहीं होता, और जब पुलिस से गोली चलती है तो गोली किसी को देखती नहीं है। अखिलेश राज में तो SP मुकुल द्विवेदी मारे गए थे, संतोष यादव इन्हीं बिरादरी के था, थानाध्यक्ष परा मारे गए थे, राजकुमार सिंह मारे गए थे, फरुखाबाद में तमंचे से पुलिस की गोलियां नहीं चली। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। ये ब्रजलाल जी DGP रहे हैं और बहुत ही तेवर वाले IPS रहे हैं। खुद से नीट करके उन्होंने तमाम गैंगस्टर्स को मौत के घाट उतारा था। और ये कह रहे हैं कि ये जो आतंकी घटना, ये कानपुर की जो कालंदी एक्सप्रेस वाली घटना है, वो आतंकी घटना है। और जो साथ ही साथ में जो मंगेश यादव पर विपक्ष आरोप लगा रहा है कि उसका फर्जी इनकाउंटर किया गया है, वो कह रहे हैं कि ये सब जो विपक्ष है, अखिलेश यादव है, वो अपनी जातिवादी राजनीति करते हैं, इससे आगे कुछ नहीं है। प्रदीप विश्वकर्मा, MH1 न्यूज, लखनऊ।